तो दोस्तों जनरली आपको विंडोज 7, विंडोज 8 या फिर विंडोज 8.1 में जो विंडोज अपडेट्स का फीचर होता है उसे परमानेंटली ऑफ करने की सेटिंग मिल जाती है, लेकिन विंडोज 10 में ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं मिलती है जिससे कि आप अपने विंडोज अपडेट के फीचर को परमानेंटली ऑफ कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने विंडोज अपडेट्स के फीचर को परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों मेरी जो पहला तरीका है उसमें आपको सबसे पहले अपने विंडोज वाईफाई के ऑप्शन में जाना होगा जहां से आपने अपने नेट को कनेक्ट किया है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ कहीं पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको प्रॉपर्टीज में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपको मीटर कनेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। मीटर कनेक्शन का ऑप्शन अगर आप है तो उसे जल्द जल्द इनेबल कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। इससे यह होगा कि जो आपके विंडोज को इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए होते हैं केवल वही एक्सेस होंगे, बाकी सब डिनाय हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा तरीका है उसे आपके जो विंडो अपडेट का फीचर है वो परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ पर टाइप करना सर्विसेज। दोस्तों स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, जो स्पेलिंग मैं बोलूँ वही आप टाइप कीजिएगा, SERVICES। इसके बाद सर्विसेज टाइप करने के बाद उसमें इंटर पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको वन क्लिक कहीं भी कर देना है। इसके बाद आपको W टाइप करना है, W टाइप करने के बाद वो सारे फीचर्स आपके सामने होंगे जो W से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके विंडोज अपडेट के ऑप्शन पे जाना है। विंडोज अपडेट के ऑप्शन पे जाने के बाद वहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे आपके सामने, एक ऑटोमेटिक, एक दूसरा मैनुअली, दूसरा डिसेबल। दोस्तों अगर आप ऑटोमेटिक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो विंडोज ऑटोमेटिक जब भी विंडोज को अपडेट की जरूरत होगी वह ऑटोमेटिक नेट कनेक्ट करने के साथ ही अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों मैनुअली, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक विंडोज अपडेट स्टार्ट नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। और दोस्तों जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है डिसेबल का, इसलिए आपको डिसेबल में क्लिक करना है। इसके बाद स्टॉप में क्लिक करना है, स्टॉप करने के साथ ही कुछ टाइम लेगा और आपकी विंडोज अपडेट जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको अप्लाई में क्लिक कर देना है, और अप्लाई में क्लिक करने के बाद आपको ओपन में ओके में क्लिक कर देना है जिससे आपकी जितनी भी सर्विसेज होगी परमानेंट के लिए ऑफ हो जाएंगी विंडो अपडेट्स की। तो दोस्तों इस तरह से हमने बताया कि आपको विंडोज 10 में विंडोज अपडेट्स के फीचर को परमानेंट के लिए आप कैसे करना है। अगर आप के पास विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 में अपडेट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। आपकी